केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से पार्लियामेंट चल नहीं पा रही है, विपक्ष हंगामा कर रहा है, और कल जिस तरीके से वाक्या हुआ, आईटी मिनिस्टर के हाथ से टीएमसी सांसद ने पर्चा फाड़ दिया, स्पीकर के सामने उछाल दिया, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये तो लोकसभा की मर्यादा गिराना है और संसद का भी की भी अपनी एक मर्यादा होती है। लोकतंत्र में अपनी बात को कहने का अधिकार है और बार बार स्पीकर साहब कहते रहे कि भाई आप जिन मुद्दों को लेकर के बात करना चाह रहे हो, सदन रोक रहे हो, उसके लिए मैं आपको टाइम दे रहा हूँ। तो टाइम जब दे रहे हैं, सरकार भी कह रही है हम चर्चा के लिए तैयार हैं, उसके बाद भी लोकसभा और राज्यसभा को न चलने देना, इसका मतलब चर्चा से विपक्ष भाग रहा है। और टीएमसी के जो सांसद हैं, जो ये इन्होंने ऐसी गलती की है, उनको सदन में माफ़ी मांगनी चाहिए और भविष्य में दोबारा ऐसी हरकत न करें। सदन को व्यवस्थित तरीके से चलने देना चाहिए, पूरा देश देखता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो इस तरह की हरकत करके केवल ये दिखाना चाहते हैं कि देखिए हम बड़ा विरोध कर रहे हैं, अपने नेता को दिखाने के लिए ये करते हैं। तो ये तरीका ठीक नहीं है और लोकतंत्र में इसको अच्छी बात नहीं कहा जाता। उधर किसानों की बात करें तो किसान जो हैं जंतर मंतर पर पहुंच चुके हैं और वो अलग अपनी पार्लियामेंट चलाने की बात कर रहे हैं, उसको किस तरीके से? अपनी वो तो जंतर मंतर पे कुछ लोग पहुंचे हैं, लेकिन सरकार लगातार वार्ता करने की बात करती है, तो आखिर कोई भी समस्या का समाधान वार्ता ही है। यहाँ तक कि एक देश से दूसरे देश में भी कोई बात होती है तो वार्ता के जरिए ही हल होती है। युद्ध भी होते हैं तो बाद में वार्ता के जरिए ही उस पर निर्णय होता है, उसका समाधान निकलता है। तो किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि सरकार जब वार्ता के लिए तैयार है बिंदुवार, तो सरकार से वार्ता करें और सरकार की बात को सुने, आपस में वार्ता करके और मामले को हल करने का दोनों पक्ष समझौता करके इस मामले को ख़त्म करना चाहिए। ये मेरे किसान भाइयों से अपील है। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरा पर्सन पंकज के साथ दिल्ली से हृदय यादव, न्यूज़ पॉइंट।